भारत आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष में कई कदम उठाने जा रहा है और स्पेस स्टेशन स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। अब तक केवल पूरी तरह से प्रशिक्षित वायुसेना के पायलटों को ही अंतरिक्ष यात्री के रूप में अंतरिक्ष में भेजा जाता है, लेकिन अब अंतरिक्ष केंद्र पूरा हो जाएगा तो विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक जो शारीरिक रूप से सक्षम हैं उन्हें भी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। ये प्रतिपादन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने किया। इसरो और विज्ञान भारती विदर्भ प्रदेश के सहयोग से 15 अगस्त 2023 से हुए शुरू। स्पेस ऑन व्हील्स के समापन कार्यक्रम में डॉक्टर एस सोमनाथ उपस्थित थे। गुरुवार को सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान भारती के अध्यक्ष एवं सीएसआईआर के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शेखर मांडे, एनआरएससी के डॉक्टर प्रकाश चव्हाण, सीबीबीडी के सुधीर कुमार, शिव कुमार शर्मा और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इसरो अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, हम डिजिटल क्रांति के युग में रहते हैं और भारत सबसे अधिक लेन देन के साथ डिजिटल क्रांति का नेतृत्व कर रहा है। हमें अंतरिक्ष विज्ञान में भी तेजी से आगे बढ़ना होगा क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान डिजिटल क्रांति की रीढ़ है। भविष्य उनका है जो प्रौद्योगिकी की ताकत को पहचानते हैं और अंतरिक्ष विज्ञान का हर क्षेत्र में योगदान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लेकर भौतिक विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में भी अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान व्यापक बदलाव के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने ये भी विश्वास व्यक्त किया कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विदर्भ के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण संचार में फायदेमंद होगी। स्पेस बस बनाने में कड़ी मेहनत करने वाले सुधीर कुमार ने इसे सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि विदर्भ के छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि और अंतरिक्ष अनुसंधान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इसरो और विभाग की पहल पर चंद्रयान और भारतीय अंतरिक्ष मिशन की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल बस तैयार की गई है। ये बस विदर्भ के 11 जिलों में 5000 किलोमीटर की यात्रा करके 135 से अधिक स्कूलों तक पहुंची और 500,000 से अधिक छात्रों ने इसका लाभ लिया। इस अवसर पर अंचलपुर के छात्र सौरभ वैद, हिगन घाट के शिक्षक आशीष कुमार और बेलघाट क्षेत्र के शिक्षिका विद्या कुमरेकर ने अपने विचार रखे। And this is something that we want to tell the whole of the world. And for making this happen, there is something very, very important thing should happen. The future belongs to those who embrace technology. Future belongs to those who are able to understand the impact of that. Because our vaccines that was made here was able to be administered to all those who really needed it. And we were able to handle the economic crisis that loomed in front of us in a very effective manner. And everybody looks at it, yes, here is one nation, though it's actually affected by COVID, was able to stand up and bring back its economy back on track. It's a wonder that has really happened. So we have the biotechnology sector, which is making really an impact in terms of the medicines, vaccines. We are also making impact in let's look at in agriculture. Though we are a country now 140 crore plus people, we are starting exporting our food grains outside. 22 मार्च विश्व जल दिवस और 14 मार्च विश्व नदी संरक्षण कार्यवाही दिवस के अवसर पर आज इको प्रो संगठन और विभिन्न कॉलेजों द्वारा नदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंद्रपुर शहर में झरपट नदी के तट पर अचलेश्वर मंदिर के पास आयोजित नदी संवाद कार्यक्रम में नदियों के प्रदूषण की झलक दिखी। इस मौके पर शहर के सरदार पटेल कॉलेज, खत्री कॉलेज, FES गर्ल्स कॉलेज, सोशल वर्क कॉलेज, जनता कॉलेज आदि के प्रोफेसर और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। छात्रों ने इस वर्ष के जल दिवस की थीम शांति के लिए जल के साथ साथ नदी संरक्षण कार्यवाही दिवस पर भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। छात्र प्रोफेसरों ने नदी में आने वाले गंदे पानी, उगते एकोनिया के पौधे डंप किए जा रहे हैं, निर्माल्य मृत जानवर, महाकाली यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालु उनसे दूषित पानी में स्नान, नदी की जैव विविधता बांध आदि कई विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए गए। इको प्रो शहर की जीवनदायिनी इराई और झरपट नदियों के संरक्षण पर जोर देता है, साथ ही उन्हें प्रदूषण मुक्त और सीवेज मुक्त बनाया जाए। इसके लिए शहर में झरपट और इराई नदियों के संरक्षण के लिए लगातार काम करना, जागरूकता पैदा करना, लोगों की भागीदारी हासिल करना, नदियों को साफ रखने के लिए हर स्तर पर काम करना, लोगों की भागीदारी हासिल करना मुख्य उद्देश्य होगा, ऐसा बताया गया। नदी संवाद कार्यक्रम में नागरिकों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों ने भाग लिया और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सबसे पहले बंडू धोत्रे ने गौड काल के इतिहास में नदियों के उल्लेख और वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। जागतिक जल दिवस आहे 22 मार्च आहे आणि सोबतच 14 मार्च सुद्धा नुकताच होऊन गेलेला आहे। हा दिवस जागतिक स्तरावर नद्या संवर्धनासाठी कृतीशील कार्यक्रमासाठी साजरा केला जातो। 14 मार्च आणि 22 मार्च जागतिक नदीच्या संदर्भातला विषय आहे।
आणि जागतिक जल दिन या दोन्ही दिवसाच्या निमित्ताने आपण या ठिकाणी नदी संवाद या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। चंद्रपूर शहरातील ज्या जीवनदायिनी नद्या आहेत त्यात हिरे नदी आहे आणि अगदी गोंड काळापासून ज्या नदीचा उल्लेख होतो ती म्हणजे झरपड नदी। या दोन्ही नद्या आज दुरावस्थेमध्ये आहे, अत्यंत प्रदूषित झालेला आहे, मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी या नद्यात येते। या नद्यांच्या संवर्धनाकरिता काय आपल्याला करता येईल याकरिता विविध शहरातील 6 महाविद्यालयांच्या माध्यमाने इकोप्रो सोबत हा नवी नदी संवाद हा कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। यामध्ये जनता महाविद्यालय असेल, SP कॉलेज असेल, SRM कॉलेज असेल, FBS कॉलेज असेल, खत्री महाविद्यालय असेल आणि प्रशासकीय मोरव्याचं महाविद्यालय असेल, असं सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक, नागरिक आणि इकोप्रोचे सदस्य मिळून या ठिकाणी नदी संवर्धनासाठी पुढची आराखडा कसा असेल त्यासाठी कृतीशील कार्यक्रम तसा आयोजित करावा या अनुषंगाने आज नदी संवाद कार्यक्रम झरपड नदीच्या काठावर अंचलेश्वर मंदिराच्या बाजूला या ठिकाणी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला आहे। पुढे चालून रामाळा तलाव संवर्धनाच्या मध्ये अनेक टप्पे आता पूर्ण होऊ लागलेले आहेत, शासन प्रशासनाने पुढाकार घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे आता इकोप्रोचा पुढचा टप्पा हा नदी संवर्धनाचा असेल आणि या अनुषंगाने आमची पावलं टाकली जाणार। जल दिन के अवसर पर नदी संवाद इस विषय पर आज यह चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है। आज के इस विषय पर हमारे सभी विद्यार्थियों को हमारे सभी मार्गदर्शकों ने विभिन्न विषयों का मार्गदर्शन किया। जल किस तरह से हम बचा सकते हैं, जल को हम किस तरह स्वच्छ रख सकते हैं, नदी को हम किस तरह से स्वच्छ रख सकते हैं, इस विषय पर सभी मार्गदर्शकों ने मार्गदर्शन किया। मैं सरदार पटेल महाविद्यालय की ओर से मैं इस इकोप्रो संस्था को आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम उनके सभी कार्यों में नदी पर जिस तरह से हम जो इकोनिया फैली हुई है उसकी भी स्वच्छता करने के लिए हम इकोप्रो संस्था का सहयोग करेंगे तथा हमारे सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करेंगे कि वो जल को किस तरह संवर्धन करें और स्वच्छ जल बनाने में और जल को बचाने में किस तरह से वे अपना योगदान दे सकते हैं, इस विषय पर हम सभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करेंगे। आज आपण जागतिक जल दिनानिमित्त आयोजन सभा जमलेलो आहे। या जागतिक जल दिनाच्या माध्यमातून चंद्रपूर शहर आणि या चंद्रपूर शहराला लागून असलेले झरपड आणि हिरे नदी या दोन नद्यांचं संवर्धन होणं काळाची गरज आहे आणि या काळाची गरज ओळखून कुठेतरी कृती आराखडा निर्माण करणं आणि या कृती आराखड्याच्या माध्यमातून जे महाविद्यालयीन विद्यार्थी आहेत त्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढवणं गरजेचं आहे। कारण की आज सर्व धुरा युवांच्या हाती आहे आणि त्या अनुषंगाने या युवांना इथे सामावून जर आपण घेतलो आणि त्या कृती आराखड्यामध्ये जर आपण युवांना सामावून घेतलो तर नक्कीच आपण नदीचं संरक्षण करू शकू। केवळ विचारांना महत्त्व न देता या विचारांना कृतीची जर आपण जोड देऊ शकलो तर नक्कीच आपण ज्या या दोन महत्त्वपूर्ण नद्या आपल्या शहराला लागून आहेत या शहरात नद्यांचं आपण संवर्धन आणि संरक्षण करू शकू। दिनांक 14/3/2024 प्रातः 6:30 बजे के दौरान थाना मनकापुर क्षेत्र में शिकायतकर्ता प्रवीण राजकुमार शुक्ला उम्र 41 वर्ष निवासी रतन नगर कोराडी रोड मनकापुर नागपुर अपना जय दुर्गा रेस्टोरेंट बंद कर घर चले गए। तभी किसी अज्ञात चोर ने उनकी दुकान का शटर का ताला तोड़कर और दुकान में घुसकर चोरी कर ली। दुकान में एक बैग में रखी नकदी 50,000 रुपए और पड़ोसी बागड़े घी भंडार की दुकान से 5,000 रुपए नगद ऐसे कुल मिलाकर 55,000 रुपए चुरा लिया। इस मामले में शिकायतकर्ता द्वारा दी गई तकरार के अनुसार थाना मनकापुर में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध धाराएं 454, 457, 380 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपराध की समानांतर जांच के दौरान मनकापुर के अपराधियों और प्रवर्तकों ने विश्वसनीय गोपनीय जानकारी और तकनीकी जांच प्राप्त करने के बाद दो बच्चों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। उन्होंने उपरोक्त अपराध कबूल कर लिया है। कानूनी विवाद में फंसे एक बच्चे से चुराए गए 2,000 रुपए बरामद किए गए हैं। उपरोक्त कार्यवाही पुलिस उपायुक्त, पुलिस आयुक्त सदर डिवीजन सीमिता जाधव, विलास पाटिल, राजेश बारड़े, राहुल गवई, कविता प्रशांत खंडारे, विपिन रक्षे मिलिंद आदि कई लोगों के माध्यम से की गई है। एक्चुअली हमारे यहाँ 13 तारीख को रात को 13 और 14 के बीच में रात को 4 दुकान फोड़े थे, उनका शटर तोड़ दिया था। उसके बाद हमने इसके पीछे मतलब उस एरिया के लोगों ने भी हमें निवेदन दिया था कि हमारे यहाँ चोरियाँ बहुत बढ़ रही है, आप कुछ तो करो। उसके बाद हमारे DB पथक ने API पाटिल जो है वो और उनके टीम ने वहाँ के फुटेज निकाले, बाकी सब इन्वेस्टिगेशन किया और उनको पता चला कुछ लड़कों के बारे में, तो जाके उन्होंने उनको अरेस्ट किया। 19 तारीख को वो 3 विधि
संघर्ष बालक है उनको अरेस्ट कर दिया है। थी उसमें एक दुकान में से 50,000 और दूसरे दुकान में 5,000, ऐसे से 55,000 की कैश थी। नहीं नहीं रिकॉर्डेड नहीं है वो, मतलब 18 साल के नीचे के बच्चे हैं, नाबालिग है वो। माना पालाचा ना त्यागो त्याचा पसारा लय बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यांनी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून दे खरेदीने पणा काढला, खरेदीला वरसी दिने उत्साह नवा आणला। बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला। कमी किमती आणि क्वालिटी सोबत बरं का परिस्थिती आहे, दर्शक आहे।